लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। हिंदुओं से अच्छा मुसलमानों का दोस्त कोई नहीं हो सकता, बोले शहनवाज हुसैन। बिहार में होती रहेगी टीईटी परीक्षा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दे दी सफाई। सेना की नई भर्ती स्कीम पर तेजस्वी की आपत्ति, केंद्र पर बोले हमला। केंद्र की 10 लाख नौकरी पर सियासत शुरू, बीजेपी ने राजद को दिया जवाब। राष्ट्रपति चुनाव में जदयू का क्या होगा स्टैंड, मंत्री श्रवण कुमार ने बताया। कटिहार में झपट्टा मार गृह का आतंक, महिला सिपाही को ट्रेन से फेंका। सेना की नई भर्ती स्कीम का विरोध, बिहार में जगह जगह हुआ प्रदर्शन। मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला, दो थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। पटना में 10 दिनों में कोरोना मरीज हुए दुगने, रहिए सचेत। इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, भारी बारिश होगी। अब खबरें विस्तार से। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत सबसे सुरक्षित देश है, पाकिस्तान में नमाज के लिए जाते तो बम फट जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, हिंदू सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी से अच्छा नेता कोई नहीं है। बता दें कि बीजेपी से निष्कासित हो चुकी नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम संगठनों द्वारा देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। रांची में भी भारी बवाल हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जब कार्रवाई हो चुकी है तो इस मुद्दे को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी बंद करने को लेकर सरकार के फैसले के बाद काफी आलोचना हुई। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बीटीईटी बंद नहीं होगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आधिकारिक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा था, जिसमें बीटीईटी बंद करने की बात कही थी। इसके बाद राजद सहित अन्य पार्टियों और विभिन्न शिक्षक संघों ने पुरजोर विरोध किया था। अब शिक्षा विभाग ने अपनी सफाई दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति के लिए सीटीईटी और बीटीईटी किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति के लिए आवेदन देते हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो शिक्षित युवा क्या करेंगे। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे और भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके एवं सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के नाम पर दी जाने लगेंगी तो शिक्षित युवा क्या करेंगे। क्या युवा पढ़ाई और 4 वर्षों की संविदा नौकरी भविष्य में भाजपा सरकार के पूंजीपति मित्रों के वेबसाइट ठिकानों की रखवाली के लिए करेंगे। हम बेरोजगार युवाओं के संघर्ष में साथ है। बेरोजगारी हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब युवा के हाथ में नियमित नौकरी होगी तभी देश खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि अगले 1.5 सालों में केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं इस मसले पर अब बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने इस ऐलान को जुमलेबाजी बताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने इस पर पलटवार किया। आरजेडी का कहना है जब चुनाव का समय नजदीक आया तब 10 लाख नौकरी देने की याद आई। इस सवाल पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि अब उनसे पूछकर कदम उठाया जाएगा। उन लोगों का तो काम है बोलते रहना, कुछ नहीं बोलेगा तो अपने मतदाताओं के आंखों में धूल कैसे झोंकेगा। राष्ट्रपति चुनाव पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस मामले में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह निर्णय लेंगे, कोई संशय की स्थिति नहीं है। वहीं जदयू से अजय आलोक समेत 4 लोगों के निकाले जाने पर मंत्री ने कहा कि दल अनुशासन से चलता है, जिस दल में अनुशासन नहीं है उस दल में बहुत सारी परेशानियां आती है। संगठन में लोग जुड़ते भी है और हटते भी है। प्रदेश अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है, उनका फैसला सही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि किसी भी कद्दावर नेता के समर्थक हो अगर गलत काम करेंगे, पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ जाएंगे, कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो इस तरह के विरोध करने वालों को सही सजा मिलेगी। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के सदस्य ने एक महिला पुलिसकर्मी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अपराधी उनका मोबाइल और पर्स को लेकर फरार हो गया। ट्रेन से गिरने के कारण महिला कांस्टेबल का पैर फ्रैक्चर हो गया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल समस्तीपुर से पैसेंजर ट्रेन से कटिहार आ रही महिला पुलिसकर्मी आरती कुमारी छुट्टी से घर आ रही थी। ट्रेन गोशाला गुमटी के पास रुकी थी, जब चलने लगी एक लड़का आया, हाथ से फोन छीना। आरती ने बताया कि मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा उसने मुझे खींचा और नीचे गिरा दिया। मोबाइल और पर्स
लेकर फरार हो गया। मैं नीचे गिरी थी और उठ नहीं पा रही थी। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का बिहार, राजस्थान और यूपी में जमकर विरोध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले दिन यानी कि बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की और सड़क जाम की। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचाया। इधर यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने योजनाओं का विरोध किया है। राजस्थान के जयपुर में भी युवा सड़क पर उतर आए और योजना को बंद करने की मांग की। मोतिहारी में पुलिस को फिर एक बार निशाना बनाया गया है। छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला बोला गया। इस हमले में दो थानेदार समेत करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें कई पुलिसकर्मी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज अरेराज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के एक मामले में कार्रवाई के लिए अरेराज ओपी पुलिस और मलाही थाने की पुलिस जनेड़वा गाँव पहुँची। कार्रवाई करने गई पुलिस गाँव के सुरेश तिवारी के घर पर छापेमारी कर रही थी। अचानक ही गाँव के कुछ लोग पहुँच गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। विरोध कर रहे लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और अचानक ईंट पत्थरों से पुलिस की टीम पर हमला करने लगे। कोरोना ने बिहार में एक बार फिर अपने पांव फैला दिया है। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों के अंदर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पोर्टल के मुताबिक मंगलवार तक जिले में कोरोना के 90 मरीज एक्टिव थे। इसमें से 88 मरीज होम आइसोलेशन में है जबकि एक मरीज पीएमसीएच व दूसरा पटना एम्स अस्पताल में भर्ती है। हालांकि दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज भर्ती है वे अस्पताल में दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए थे लेकिन जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार के कई जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। पूर्णिया में सुबह बारिश हुई, वहीं बेगूसराय और मुंगेर में झमाझम बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और अरवल में तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। हालांकि राजधानी पटना में धूप और छांव का खेला सुबह से जारी रहा। यहां गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। संभावना है कि यहां भी अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग लू की तपिश झेलने को मजबूर है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में 17 जून तक मॉनसून आने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।